अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं इस एस पी टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। अगर आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं और इनिशियल साइज भी तक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, जो कि एकेडमिक में आता है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान। तो सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान जो है वो ह्यूमन है, यानी कि होली कुरान में जो कुछ भी है वो सब ह्यूमन पे है, ह्यूमन के बारे में है। हाउ मेनी ईयर्स डिड हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सफ़र स्किन डिजीज़। तो 18 ईयर्स जो थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने सफ़र किया था स्किन डिजीज़ से। आर सी डी हाईवे लिंक्स पाकिस्तान विद विच कंट्री। विद ईरान। आर सी डी जो है ये एक हाईवे है, ये लिंक करता है पाकिस्तान एंड ईरान को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हेन वर दी शेख अब्दुल कदीर जिलानी ब्यूरेट वेयर, है ना। तो वेयर जो था यानी कि शेख अब्दुल जिलानी कहाँ दफन किए गए थे, उन्हें जो था बगदाद में दफन किया था। विच इज़ दी लॉन्गेस्ट सूरह इन कुरान। तो लॉन्गेस्ट सूरह इन कुरान जो है ये सूरह बकरा है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट सूरह इन कुरान जो है ये सूरह कौसर है। भाई लोगों, एक क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि यार रसूलुल्लाह सल्लम की डॉटर्स का नाम बताएं। तो पहली डॉटर रसूलुल्लाह सल्लम की जो थी वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा थी, दूसरी जो थी हज़रत रुकैया अलैहिस्सलाम थी, तीसरी जो थी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा थी, चौथी जो थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। और इनके अम्मी यानी कि जिनसे इनकी पैदाइश हुई थी उनके नाम भी साथ लिखे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। तो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये अमेज़ॉन है, ब्राज़ील में है और ये साउथ अमेरिका को भी लिंक करते हैं। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकेंड लार्जेस्ट एंड फर्स्ट लॉन्ग, देखिए लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क होता है तो आपने ये माइंड में रखना है। तो सेकेंड लार्जेस्ट एंड फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये नाइल है और ये जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि बिटवीन वूम वाज द बैटल ऑफ कैमल फोर्ट। तो बिटवीन वूम, तो बिटवीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरमियान जो थी ये बैटल ऑफ कैमल हुई थी। विच सहाबा वर कॉल्ड एस ज़ुन्नुनैन। तो ये जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, ठीक है, और इन्हें जो है ज़ुन्नुनैन का लकब दिया गया है। हाउ मैनी सूरत आर देर इन कुरान। तो 114 सूरत हैं इन कुरान में। हाउ मैनी एक्स आर ऑब्लीगेटरी वाइल ऑफरिंग हज। तो तीन ऐसी चीज़ें हैं हज में जो कि ऑब्लीगेटरी हैं, अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आपका हज जो है कम्प्लीट नहीं होगा। वट इज़ द कैपिटल ऑफ पीरू। तो कैपिटल ऑफ पीरू जो है ये लिम्मा है। वट इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान। तो नेशनल गेम ऑफ जापान जो है वो जोडू है, सोमो रेसलिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। तो भूटान का कैपिटल जो है वो थिम्पू है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि वो वाज डिफीटेड बाय शहाबुद्दीन गोरी। तो वो जो थे मिचिगन पृथ्वीराज मिचिगन को शिकस्त दी थी। वो इज़ दी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। तो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री जो होता है वो सुप्रीम ऑफ कमांड फोर्सेस होता है। व्हाट इज़ दी ओरिजिन ऑफ गोल्फ गेम। तो गोल्फ गेम का ओरिजिन जो है ये स्कॉटलैंड में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि बाय व्होम वाज द पाकिस्तान फ्लैग डिज़ाइंड। तो पाकिस्तान फ्लैग डिज़ाइन जो था ये किसके बीच हुआ था, ये जो हुआ था सैयद आमिर उद्दीन खदवाई ने डिज़ाइन किया था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव इन मदीना। तो इन्होंने 10 साल अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो थे वो मदीना में गुजारे थे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव इन मक्का। तो 53 ईयर्स जो थे उन्होंने मक्का में गुजारे थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि इन विच गेम डिड पाकिस्तान विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो हॉकी में जो थे, ओलंपिक में हॉकी भी होता है, तो हॉकी में जो थे फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो यंगतीज़ इन चाइना जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में।
वेयर इज़ द हाईएस्ट फ्लैग लोकेटेड इन एशिया, तो हाईएस्ट फ्लैग लोकेटेड जो है ये कहाँ पे है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा होस्टेड द लार्जेस्ट फ्लैग एट वाघा बॉर्डर ऑन द 7th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स हाइट इज़ 400 फीट। तो वाघा बॉर्डर पे आप देखें, आपने वीडियोस में देखी होंगी, तो सबसे हाईएस्ट फ्लैग जो लोकेटेड है एशिया का तो वो 400 फीट है और ये वाघा बॉर्डर में है और 17th इंडिपेंडेंस डे पे हुआ था, ये अभी रिसेंटली हुआ है। हाउ मेनी ये आयात्स आर देयर इन कुरान, तो 6666 आयात्स जो हैं ये कुरान में हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि अबू तुरैब वाज द फैमिली नेम ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फैमिली नेम जो थी वो अबू तुरैब थी। बाय वूम वाज़ द फर्स्ट मार्शल ला इम्पोज़्ड, तो फर्स्ट मार्शल ला जो थे जनरल अयूब खान ने 1958 में ही लगा दिया था बदकिस्मती से। व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो निशान पाकिस्तान है। वेयर इज़ द मज़र ऑफ बाबा बुले शाह, तो इनकी मज़ार जो है कहाँ पर है, इनकी मज़ार जो है पंजाब में है, कसूर में है। तो भाई लोगों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थे सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपने कवर करने और इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो ज़रूर पास होगा। तो मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।